आप सभी का इस उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर की हमारी यहाँ पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है, हमारा जो यूसर का उद्देश्य है, आप लोगों तक विभिन्न जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ई कंटेंट के रूप में विभिन्न रूपों में आप तक ज्ञान को पहुँचाना है। इसी क्रम में आज हमारे बीच गणित विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर, एक गणितज्ञ हमारे बीच हैं, डॉक्टर संजय कुमार पन साहब। सर, आपका स्वागत है। पन साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है वहाँ पे आप गणित विभाग में एसोसिएट के पद पे, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे वहाँ पे पदासीन हैं और एक ख्याति प्राप्त आप गणितज्ञ हैं। यूसर के द्वारा जो एक CEMS के नाम से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मैथमेटिकल साइंस जो अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है, उसके भी आप समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी ही छत्र छाया में, आपके ही सुपरविजन में बहुत सारे कार्य वहाँ पे CEMS द्वारा इस समय संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो समर स्कूल के रूप में हों, विंटर स्कूल के रूप में हों, टीचर ट्रेनिंग के रूप में हों। हम अपने बच्चों को, अध्यापकों को गणित के प्रति उनका किस प्रकार से जागृति उत्पन्न हो, उसमें जो है जो हमारे बच्चों में गणित में एक जो है फोबिया टाइप का होता है कि गणित एक जो है पता नहीं क्या सब्जेक्ट है जिससे बच्चे दूर भागते हैं, तो आपके ही द्वारा इसमें ऐसा प्रयास किया जा रहा है CEMS के मार्फत कि हमारे बच्चे गणित को जानें और उनका इंटरेस्ट गणित के प्रति जागृत हो, गणित को वो सीखें बड़े सरलतम रूप से। प्रोफेसर पन साहब काफ़ी गणित के विषय में काफ़ी कुछ काम भी कर चुके हैं। आपके अंडर में आधा दर्जन से ऊपर PhD के स्टूडेंट शोध कर रहे हैं, आपकी आप ही के सुपरविजन में आपके कई शोध पत्र नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो शोध पत्रिकाएं होती हैं उनमें आपके शोध प्रकाशित हुए हैं। आप इग्नू के लिए जो MSc मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है, स्टडी मटेरियल होता है, आपने वो भी तैयार किए हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस कमेटी होती है, एक प्रतिष्ठित होती है, आप उसके भी सदस्य रहे हैं और आपके द्वारा हमेशा से एक आपके अंदर एक उत्सुकता रहती है, एक जो है आपके अंदर एक ऐसी आग है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर तक हम गणित को कैसे प्रचारित और प्रसारित करें, उसके लिए आप सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसी के कारण आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके और सीधे हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे पहुँचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स आपका, आपकी विद्वता का फ़ायदा उठाएँ सर। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोफेसर पन साहब आज रियल एनालिसिस पे एक व्याख्यान माला, केवल एक व्याख्यान नहीं, एक पूरी एक सीरीज के रूप में एक व्याख्यान माला का यहाँ पे हमारे बच्चों से उसको अवगत करवाएंगे, व्याख्यान माला प्रारंभ करेंगे। रियल एनालिसिस आप जानते हैं, अभी तक जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक जो हमारे बच्चे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, लिमिट, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तक आप पढ़ते आए हैं, क्यों पढ़ते आए हैं, क्या आप करते हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे इस बात से अवगत हैं। सर, हमारा काम, हमारे बच्चों का काम होता है कि भाई ये क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो वो सारा रियल एनालिसिस में आता है कि उसका विश्लेषण करके कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो जो है आप केवल इंटीग्रेशन या केवल डिफ्रेक्शन की बात करें, डिफ्रेंशिएशन की बात करें, तो उसमें हमारे बच्चे इस रियल एनालिसिस पे जो आप व्याख्यान देंगे उसके द्वारा समझ पाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या एनालिसिस है, क्या विश्लेषण है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे आपकी विद्वता से अवगत होते हुए, आपको समझते हुए, विज्ञान को जो हमारे गणित के जो भी नंबर्स, चाहे वो रियल नंबर कह रहे हैं, रियल नंबर के बारे में कि कैसे जो है किस प्रकार का जो है बाउंड सेट है या फिर क्या रियल नंबर है, क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है आप विस्तार रूप से यहाँ पे बताएंगे और निसंदेह आपके व्याख्यान से हमारे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर और हमारे स्नातक के छात्र आपसे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर नौटियाल जी ने इंट्रोड्यूस किया कि हम आज से एक नए टॉपिक पर लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्याख्यान माला। इस टॉपिक का नाम है रियल एनालिसिस।
ये मैथमेटिक्स का कोर मैथमेटिक्स का काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन कहें, एप्लीकेबल मैथमेटिक्स कहें, चाहे प्योर मैथमेटिक्स कहें। आपने अपने स्कूल में इस बात से अवगत तो थे, जैसे आपने स्कूल में लिमिट निकालना सीखा, फंक्शन के बारे में सीखा, सेट के बारे में सीखा, फिर फंक्शंस के बारे में सीखा, फंक्शंस का लिमिट निकालना सीखा, इसके बाद में उसका आपने कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की, डिसकंटिन्यूटी की चर्चा की, डिफ्रेंसिबिलिटी की चर्चा की, डेरिवेटिव निकालने की बात करी, इंटीग्रेशन का काम किया, नए नए कॉन्सेप्ट वहां पर आपने सीखे थे, कैलकुलस जिसको आप कैलकुलस कहते थे। ये देखा जाए तो हम इसको रफली यदि हम कहना चाहें, वैसे कहना तो इसको हम एडवांस कैलकुलस भी कह सकते हैं। वहां पर आपने केवल वहां पर मैकेनिकल प्रोसेस से चीजों को सीखा, आपको कोई चीज कंटिन्यूटी निकालने को पूछी गई, आपको कोई तरीका बताया गया था, आपने उसे कंटिन्यूटी निकाली, डिफ्रेंसिएशन का तरीका बताया, आपने डिफ्रेंसिएशन किया बिना जाने हुए कि आखिर में हो क्या रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। और हमने कई प्रॉपर्टीज पर भी, हमने फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का कनेक्शन भी नहीं देखा उनसे, तो हम अब विश्लेषण करेंगे आखिर में चीजें क्या हो रही हैं और क्यों ऐसे हो रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को ही हम, इस पार्ट है रियल एनालिसिस का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, हम जिस पर रियलिसिस करेंगे, नाम भी इसी से आया हुआ है, रियल नंबर्स का सेट। हमारी सारी बातें होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स या इसकी सबसेट पर। यदि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहते हैं, जो आपका एक अलग से टॉपिक है। सो मैंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर्स या उसके सबसेट। रियल नंबर का सेट जैसे आप जानते हैं, आपने बचपन से जाना है कि इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। बहुत सारी का मतलब आप जब बहुत सारी की बात करते हैं या उसको आप गिन नहीं पाते हैं तो आप कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट है भाई। सागर में पानी की बूंदें इनफाइनाइट है, आपने बचपन में सीखा होगा तारे भाई इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते। पर ना ये इतना इजी नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, काउंट करना। तो सेट के बारे में हम, सेट जो हमने सेट पढ़े थे पहले, हमने अब सेट के साइज के बारे में अभी तक बात नहीं की। सेट का साइज क्या होगा, जो आप बोलते हैं ना फाइनाइट सेट है, छोटा है सेट, बड़ा है, उसमें ज्यादा नंबर है, उसी को हम साइज की बात कर रहे हैं। हम साइज कैसे मेजर करें सेट का, तो सेट का साइज मेजर करना, यदि फाइनाइट सेट है तो आपको पता है कि आपने आपके आपके बॉक्स बॉक्स कोई सेट है, उस बॉक्स के अंदर 10 टॉफियां हैं, तो आपने बोला इसमें 10 टॉफियां, 10 का मतलब क्या हुआ, मैं हर टॉफी की पेयरिंग कर सकता हूं, किसके साथ में, 10 नेचुरल नंबर ले लूं, 1, 2, 3, 4, 10। पहले नेचुरल नंबर से एक टॉफी, दूसरे नेचुरल नंबर से दूसरी टॉफी, आठवें नेचुरल नंबर से आठवीं टॉफी और 10 से 10वीं टॉफी, तो पेयरिंग हो गई। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इस बॉक्स में 10 टॉफियां हैं। इसका मतलब टॉफीज का नंबर फाइनाइट है। इसका मतलब टॉफी का जो ये सेट था, ये सेट फाइनाइट सेट है। हम सेट की डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, हम जानते हैं सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, सेट का यूनियन क्या होता है, सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं साइज की बात कर रहा हूं आपको। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, हम कैसे डिसाइड करें मैथमेटिकली कि सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। और फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आपने बोला नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, पूर्णांक का समूह जो होता है, सेट जो होता है, इंटीजर्स का सेट होता है इनफाइनाइट, क्या इन्फिनिटी भी अलग अलग तरीके की होती है, क्या इन्फिनिटी छोटी और बड़ी होती है? ये तो ठीक है, फाइनाइट के केस में तो हमें पता है किसी सेट पे, किसी बॉक्स में 10 टॉफियां हैं और किसी बॉक्स में 15 बॉल्स हैं, तो मुझे पता है बॉल का जो सेट है वो टॉफियों के सेट से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें 15 बॉल्स हैं और इसमें केवल 10 टॉफियां थी। तो फाइनाइट केस में तो मुझे बड़ा और छोटे का अंतर पता है, इन्फिनिटी में कैसे बात करूंगा? तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में बात करेंगे आज, पर बाउंडेड सेट के। इसको समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट को यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको कहते हैं इफ ए एंड बी आर एनी टू
सेट्स, और आपको यदि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो आप मान लीजिए कि ये सेट्स रियल नंबर से बने हुए हैं, इनके मेंबर्स रियल नंबर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी. इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन दे आर कॉल्ड. अब मैं आपको मैथमेटिकली ले जा रहा हूं फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो रहा है. देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा ऑफ सेम कार्डिनैलिटी. ये फ्रेज है इक्विवेलेंट या सेम कार्डिनैलिटी. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then they are called equivalent or of same cardinality if pairing can be done between the elements of A and B. पेयरिंग करने का मतलब मैंने अब ये भाई जनरल लैंग्वेज में लिखा है, लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. पेयरिंग का मतलब ए का एक एलिमेंट उठाया और उसको बी के किसी एलिमेंट से पेयर कर दिया, फिर ए का दूसरा एलिमेंट उठाया बी के किसी दूसरे एलिमेंट से पेयर कर दिया. इक्विवेलेंट है मतलब मेरे पेयर बने परफेक्ट. पेयर कब नहीं बनेंगे सोचिए थोड़ा सा. यदि बी में थोड़ा ज्यादा होंगे और ए के खत्म हो गए, और बी में ज्यादा है तो बी का बच गया, तो उसके लिए ए में कोई पेयर करने वाला ऑब्जेक्ट बचा नहीं. ए में ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ए में तो बच गया पॉइंट, उसको हम बी के किसी भी एलिमेंट से पेयर नहीं कर सकते क्योंकि बी में तो एलिमेंट बचे ही नहीं पेयर करने के लिए. तो ये पेयरिंग तो एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करना जो आप समझ रहे हैं धीरे से मेरा क्या मतलब है. इसको मैथमेटिकली इस पेयरिंग की बात करिए, पेयरिंग का मतलब क्या है. सो इस पेयरिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली. कहने का मेरा मतलब यह है ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू बी इफ there exists a function f from a to b. हम function के बारे में पढ़ चुके हैं. Injective function क्या होते हैं, surjective function क्या होते हैं. Injective माने one one function, surjective means onto function. One one function को एककी फलन कहते थे अब, और surjective function को आच्छादक फलन कहते हैं अब हिंदी में लिखा हुआ. If there exists a function, एक कोई function मिल जाए कहां से, ए से जो किस में जा रहा हो बी में, विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दैट इज यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है उसको कहते हैं दैट इज बाइजेक्टिव. और इसको सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना यह सीखा है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. ये हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, बुक्स में आपको ये लैंग्वेज दिखाई देती है. अब आप समझ गए क्या बोल रहा हूं, पेयरिंग. अब पेयर है वन वन और ऑन टू फंक्शन है, मतलब यहां के हर एलिमेंट का यहां पेयर बनाने के लिए एलिमेंट मौजूद होगा, और यहां के हर एलिमेंट के लिए यहां भी एक एलिमेंट मौजूद है वन वन ऑन टू, पूरा ढक गया है. तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हो गए, या ये कहेंगे दोनों की कार्डिनलिटी सेम है. कार्डिनलिटी को लिखने का, कार्डिनलिटी माने कितने एलिमेंट हैं उसमें. दोनों की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, या ए इज इक्विवेलेंट टू बी, जो मैंने लिखा जो भी कहना चाहे. ये जब मैंने डेफिनेशन दे दी, दो सेट की इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जब मैंने दे दी, या सेम कार्डिनलिटी की जब मैंने डेफिनेशन दे दी, अब मेरे लिए मैथमेटिकली बड़ा इजी है बताना कि कोई सेट फाइनाइट कब होगा. मैथमेटिकली इजी है बताना कि कोई सेट फाइनाइट कब होगा. तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन अब मैं दे सकता हूं इसको ध्यान में रखते हुए. कैसे, ए सेट एस इज कॉल्ड finite, a set S is called finite if S is
equivalent to the set 1, 2, 3, n for some natural number n belonging to कोई natural number n के लिए for some fixed natural number n. तो मैं यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो मैं natural number को मैं जीरो से काउंट करना चाहता हूँ. उसका रीजन बता रहा हूँ मैं क्यों, क्योंकि वो सेट सब नेचुरल नंबर है. छोड़िए, हम इसको छोड़ देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर है कि हम यही ध्यान रखें. मैं इन्फिनिटी के लिए अलग से बात करूंगा. एस इज इक्विवेलेंट टू द सेट दिस फॉर सम नेचुरल नंबर एन मेंबर ऑफ एन. इसका मतलब मैंने कहा नेचुरल नंबर एन कितने होंगे, सम फिक्स नेचुरल नंबर एन कहा, मैंने क्या हो सकते हैं नेचुरल नंबर, ये 1, 2, 3, 5, 10, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, जो भी है, फाइनाइट नंबर. इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया. उसमें ठीक उतने ही एलिमेंट हैं जितने ये नेचुरल नंबर है. ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है जो ऊपर से आई हुई है. मतलब मैं उस सेट और इस सेट के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर सकता हूं, राइट. हम यहां पर एक नोट करेंगे, नोट दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर एम्प्टी सेट, यदि कोई सेट एम्प्टी है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे. तो आप समझ गए होंगे, यदि कोई सेट एम्प्टी है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. इसका मतलब वो क्या होगा, कितने एलिमेंट होंगे उसमें, जीरो एलिमेंट होंगे. तो नोट दैट एम्प्टी सेट has zero number of element. तो हम कहते हैं empty set की cardinality क्या है, zero है. जो set मैंने S लिखा है ऊपर, इसकी cardinality क्या हो गई, n हो गई, my number of elements. तो अब हम कार्डिनलिटी के ऊपर ज्यादा बात तो नहीं, कार्डिनलिटी के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन किया, हमारी ये डेफिनेशन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन परफेक्टली बता रही है कि आपका सेट यदि फाइनाइट है तो उसमें कितने एलिमेंट है, और ये आपकी बाइजेक्टिव मैपिंग से साफ साफ पता चल रहा है. नेचुरली कोई सेट इनफाइनाइट कब होगा भाई, ए सेट is called infinite if it is not finite. Naturally, तो बहुत ही आप बोलेंगे तो बढ़िया अजीब सी डेफिनेशन है, कई बार ये डेफिनेशन भी वर्क करती है. यदि कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. यहां पर अब हमारे इस टॉपिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई. इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हुई है. कौन सी इंपॉर्टेंट बात कि क्या इनफाइनाइट सेट किस तरह के हो सकते हैं. फाइनाइट सेट तो हम समझ गए, फाइनाइट सेट हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है. हम फाइनाइट सेट करीब करीब रोजाना देखते हैं, अपने रोज के काम में, रोजमर्रा के काम में भी देखते हैं. जैसे हम फाइनाइट से दूर जाते हैं हम बोल देते हैं इनफाइनाइट. एक्चुअली ये कहना गलत है. इनफाइनाइट का मतलब आप ये समझते हैं कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं. हम इनफाइनाइट सेट को भी काउंट कर सकते हैं उस वन वन फंक्शन की वजह से. तो इनफाइनाइट जो सेट होता है इसमें दो केस होते हैं. इसमें काउंटेबल एक कॉन्सेप्ट आया दो और सेट का, दो एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये फाइनाइट नहीं होते. सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर
इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये फाइनाइट नहीं होते. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है. सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट है क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है. सेट ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट है. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनफाइनाइट है. ये सारे सेट इनफाइनाइट है. तो इनमें से क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं दो में. काउंटेबल बनीस, काउंटेबल का मतलब ये भी कहते हैं इन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल. इन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल ये भी कहते हैं. क्या मतलब है इसका भाई? तो काउंटिंग में किसको यूज करते हैं बताइए आप? नेचुरल नंबर को या इंटीजर भी यूज कर सकते हैं. नेचुरल नंबर से हम बात करें जैसा मान लीजिए कोई सेट ऐसा है जो इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के, तो मुझे पहले से पता है वो सेट तो इनफाइनाइट होगा. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, तो वो सेट भी इनफाइनाइट होगा. पर कैसा इनफाइनाइट, कैसी इनफिनिटी है ये? नेचुरल नंबर को तो काउंट कर सकते हैं आप. वन के बाद क्या आएगा? टू. टू के बाद थ्री. थ्री के बाद फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. ये बात अलग है कि आप इनफिनिटी तक काउंट करते चले जाइए. पर काउंटेबल तो है ना, इन्यूमरेट तो कर सकते हैं ना, नंबरिंग तो कर सकते हैं और करते चले जाइए अनंत तक. तो इसलिए ए सेट इज कॉल्ड काउंटेबल. कैसा काउंटेबल? में काउंटेबल, काउंटेबल भी दो तरह का होता है. फाइनाइट काउंटेबल, एक्चुअली हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है. अरे फाइनाइट सेट की काउंटेबिलिटी है ना, काउंटेबल की काउंट कर सकते हैं ना. फाइनाइट सेट को कितने तक काउंट कर सकते हैं? फिक्स नंबर तक, क्योंकि उसमें फिक्स नंबर सेट होते हैं. तो अभी हम इसीलिए मैंने काउंटेबल इनफाइनाइट दिया है, इसको कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट. ए सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ, हमारी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं अभी, आदत बनाइए. मैं डेफिनेशन ला रहा हूं, मेरी मैथमेटिक्स की परफेक्ट डेफिनेशन बनाई है मैंने. ए सेट इफ इट इज इक्विवेलेंट, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट हो जाए, ये काउंटेबली इनफाइनाइट होगा ये सेट. मान लीजिए कोई सेट एस है जो इक्विवेलेंट, ये साइन मैंने यूज किया था याद करिए, इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के. इसका मतलब ये हो गया कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर. कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया. और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को दिखाने का तरीका क्या होता है बता दे रहा हूं मैं आपको. नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को दिखाने का तरीका बहुत मैथमेटिक्स में एल एफ नॉट कहते हैं इसको. एल एफ नॉट, नीचे छोटा सा बिंदु जीरो बना दिया, एल एफ नॉट कहते हैं. कितने नंबर होंगे, कितने नेचुरल नंबर होते हैं, ये एल एफ नॉट है. ये आपके फाइनाइट नेचुरल नंबर से अलग हटके ये कार्डिनलिटी के सेट, ये जो नंबर है, ये नंबर आप जनरली आप इसकी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं और अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं इसके बारे में, पर मैं आपको जब बताना चाहता हूं. सो क्या सीखा अभी आपने? काउंटेबल सेट. इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ऐसे नहीं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए. कहां? एस से किसमें? एन में. जो वन वन हो, मतलब क्या वन वन को क्या कहा था याद करिए, इंजेक्टिव हो और साथ में ऑन टू हो. क्या कहा था इसको? सब्जेक्टिव कहा था. और याद रखिए यदि आप एन से एस में आएंगे तो इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा. जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है. तो चाहे आप एस से एन में जाइए चाहे एन से एस में जाइए, मतलब एक फंक्शन मिलना चाहिए आपको, वो वन वन और ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन. तो हम कहते हैं कि सेट इक्विवेलेंट है, हम कहते हैं कार्डिनलिटी सेम है, हम कहते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट है. और जो सेट काउंटेबल नहीं होते उनको ही अनकाउंटेबल कहते हैं. ए सेट विच इज नॉट
accountable is called an uncountable. वो सेट जो काउंटेबल नहीं है, वो सेट जो काउंटेबल नहीं है उसको हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। भाई कौन से सेट है अनकाउंटेबल, जिनको हम आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब उस सेट से नेचुरल नंबर के बीच में वन वन फंक्शन नहीं बना सकते। पहले मैं आपसे दूसरी बात करूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, क्या आपको थोड़ा अजीब लग रहा है? वो क्या अजीब लग रहा है मैं पूछता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इस पर हम बात करें, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता, बोलिए। 1 2 3 4 चलते, हमने इसको काउंटेबल सेट कहा है। इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट होती है, ये काउंटेबल सेट है। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, बोलिए। 2 4 6 8 नेचुरली इसमें से 1 3 5 मिसिंग है। इसका मतलब देखा जाए, यदि आप अपनी नजरों से देखें तो ई जो है वो पहली बात तो बराबर नहीं है एन के, और दूसरा ई एन में समाया हुआ है। इसको कहते हैं कि ई प्रॉपर सबसेट है एन का। ई इज सेट ऑफ इवन नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप तो ये पूछेंगे, सर ठीक है दोनों इनफाइनाइट है, सर आप ये बोलेंगे सर दोनों इनफाइनाइट है, पर ये सर ये छोटी वाली इंफिनिटी है और ये बड़ी वाली इंफिनिटी है। गलत, यही आश्चर्य की बात है। दोनों इनफाइनाइट है, आपको पता, हमको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि दोनों इनफाइनाइट है। पर आप फिर कुछ चीजें मैं पूछूं कि कैसी है, तो बोलिए सर कोई तो सिंपल सी है सर, इसमें क्या सोचने की बात है। ई जो है वो एन में कंटेन्ड है, और ई के सारे एलिमेंट तो एन में है, पर एन में ई से ज्यादा एलिमेंट है। इसलिए सर निश्चित रूप से एन की जो इंफिनिटी है वो ई की इंफिनिटी से बड़ी है, और यहीं पर सबसे पहला झटका है। और ये कैंटर्स के द्वारा ही बोलते हैं, कैंटोरियन सेट थ्योरी कहते हैं ये कैंटर्स ने, ये कैंटर की सेट थ्योरी है जो जॉर्ज कैंटर ने डेवलप की थी। और ये सेट थ्योरी ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी अपनी इनिशियल स्टेज में। ये काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट जो आज मैं आपको इतनी इजीली समझा रहा हूं, ये बड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट हुआ करते थे आज से 150 साल पहले। बहुत कंट्रोवर्शियल था, जॉर्ज कैंटर को तो मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा था, उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, फाइन आज आप इसको इतना स्मूथली देख रहे हैं, इसको डेवलप करने में बड़ा पेनफुल डेवलपमेंट हुआ है इसका। ये ऐसे सारे क्वेश्चन पहले, इसका आंसर क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम क्यों है। मैंने क्या बोला था आपको, दो सेट की कार्डिनलिटी सेम कब होती है, या उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कब होते हैं, जब उनके बीच में एक वन वन फंक्शन डिफाइन कर दें। तो जरा देखिए, जरा नोट करें, जरा ये एन और इस ई के बारे में नोट करें थोड़ा सा। हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बारे में, हम नोट करें हम क्या कर सकते हैं। तो जरा देखिए, मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं, कहां से, नेचुरल नंबर से मैं ई में एक फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ। ऐसे कई फंक्शन बना सकते हैं आप, इस तरह के कई फंक्शन बना सकते हैं, पर मैं एक बना रहा हूं, हमें तो एक की जरूरत होती है जो क्या हो, यदि इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है इसका मतलब वो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, मैंने बाइसेक्टिव होगा। इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब दोनों के एलिमेंट की पेयरिंग कर सकते हैं, इसका मतलब वो इंफिनिटी इस इंफिनिटी से बड़ी नहीं है, दोनों इंफिनिटी सेम कार्डिनलिटी की है, उनके साइज सेम है। और दिखने में आपकी आंखों के सामने ये हो रहा है कि एन के एलिमेंट, बच्चा भी जानता है कि एन में ई से ज्यादा एलिमेंट दिख रहे हैं, दिखने से बात प्रूफ नहीं हुई, मैथमेटिक्स की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है। अब देखिए ना, मैं फंक्शन बनाता हूं आपके लिए, घबराइए मत, ये लीजिए एफ एन इक्वल टू 2n For all n belonging to n। इसका मतलब f1 किस पर गया, f1 की पेयरिंग किससे हुई, 2 से, 1 की पेयरिंग किससे हुई, 2 से,
एफ टू किस पे गया? फोर। टू की पेयरिंग किससे हुई? फोर से। एफ थ्री किससे गया? सिक्स। थ्री की पेयरिंग किससे हुई? सिक्स से। फोर की पेयरिंग एट से। फाइव की पेयरिंग टेन से। सारी पेयरिंग मिलेगी। ये फंक्शन क्या है? चेक दैट दिस फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। एग्जाम्पल से बच जाइए। एग्जाम्पल तो बनाते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट समय लग जाएगा, इसीलिए प्रूफ करना पड़ता है। आपको वन वन ऑन टू दिखाना है। मैं आपको वन वन दिखाता हूं कैसे, देखिए एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये काम करने की आदत बनाइए, सोचिए मत प्लीज। करना पड़ता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये भी कैलकुलेशन की मैथमेटिक्स है। फंक्शन को वन वन कब कहते हैं? एफ इज कॉल्ड वन वन, मैं ये आपको रिकॉल करवा रहा हूं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। यदि इमेज सेम है तो ये इंप्लाई करता है कि आर्गुमेंट मतलब वो जिन पर लगा था वो वैल्यूज भी सेम होंगी, एक्स और वाई वो ऑब्जेक्ट भी सेम होंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इफ यदि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट बननी चाहिए। देखिए यहां देखिए, वन और टू डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट बनी है, वन और थ्री डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट बनी है। तो कहने का ये ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, जनरली हम ऐसे कहना पसंद करेंगे। पहली बात देखिए, फंक्शन क्यों वन वन है? एफ एन इक्वल टू एफ एम करिए, एन और एम नेचुरल नंबर है। एफ एन इक्वल टू एफ एम का मतलब हुआ टू एन इक्वल टू टू एन, टू से टू कट गया, इसका मतलब एन इक्वल टू, ऊपर आइए आइए, एफ एम एक्स की जगह एम लिया, वाई की जगह एम लिया, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन ऑन टू कब है? ऑन टू का मतलब क्या होता भाई? ऑन टू का मतलब होता है यदि एफ ए से बी में कोई फंक्शन है, इसको ऑन टू कब कहते हैं? ऑन टू कहने का मतलब ये होता है, ये देखिए ये बी है, ये ए है, ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, ये देखिए ए का एलिमेंट यहां गया, ये इसमें गया, ये इसमें गया, ये इसमें गया, एक एलिमेंट छूट गया, ये ऑन टू नहीं है, इमेज ने ढका नहीं, इसको को डोमेन सेट कहते हैं, इसको डोमेन सेट कहते हैं। बी पूरा ढक जाए, आच्छादक ढक जाए, तो इसी को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। यहां कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, माने यहां से हम जब भी बनाए पेयरिंग यहां पर तो यहां के हर एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। कहने का मतलब है यदि वाई मेंबर है बी का तो वहां एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स मेंबर ऑफ ए का, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। यदि y कोई भी मेंबर है b का तो हमें x में a में एक एलिमेंट x जरूर मिलना चाहिए जिसका कनेक्शन उस y से है। इसका मतलब b का हर एलिमेंट इस रूल के तहत कनेक्ट हो गया है a के किसी एलिमेंट से, और a के तो सारे एलिमेंट कवर होने ही है। यहां बात है b को कवर करने की, तो हमारे पहले केस में b कवर नहीं हो पाया था यहां पर, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं। हमको दिखाना ये फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब आप इस से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, कहां से? ई से। ई के सारे एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं बताइए? ई के तो एलिमेंट इवन है, इवन नंबर हमेशा टू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वहां के नेचुरल नंबर है। तो लेट वाई कोई मेंबर है ई का तो वाई हमेशा इस फॉर्म का होगा, टू के इवन नंबर है ना, इवन नंबर हमेशा टू का मल्टीपल होता है जहां पर के कोई नेचुरल नंबर है। यदि मैंने इसे 10 उठाया होता तो किस फॉर्म में दिखता वो? 2 into 5, जहां 5 नेचुरल नंबर है। इसे मैंने यदि 100 उठाया होता किस फॉर्म में दिखता वो? 2 into 50। इसे मैंने इसे मैंने 6 उठाया होता किस फॉर्म में दिखता? 2 into 3, 3 भी नेचुरल नंबर है। तो मैंने y उठाया इसे, वो इस फॉर्म का होगा, इसका मतलब तो साफ हो गया, आपको साफ दिख रहा है एक नेचुरल नंबर k मिला, कहां नेचुरल नंबर ये मिल गया, वही लिख दिया मैंने, ये के मिलेगा
जिस पर यदि एफ लगाऊंगा तो मेरे को टू के आएगा और टू के कुछ नहीं क्या है वाई है। इसलिए ये फंक्शन जो आपने लिखा था ये फंक्शन वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब सेट एन और सेट ई इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी एन की कार्डिनलिटी और ई की कार्डिनलिटी सेम है। इसका मतलब एन में और ई में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें से एक इंफिनिटी दूसरी इंफिनिटी से बड़ी या छोटी नहीं है, दोनों की इंफिनिटी सेम साइज की है, उसमें अंतर कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ा सा आप हल्की सी ट्रिक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है। मैं तो एक ऐसा सेट दिखा रहा हूं जो तो बहुत ही बड़ा है एन से। कैसा सेट? ये देखिए, ये एन लीजिए, ये एन क्या है बताइए, जेड में क्या होते हैं? देखिए जेड तो ऐसा लगता है जैसे एन का क्या है, एन का जस्ट दुगना है, यानी एन यहां से था, अब जेड कहां शुरू हुआ, जीरो भी बचा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इंफिनिटी। आपको तो वहां रहा है कि नहीं सर, आपने वहां पर ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े से हट गए थे, एक एक हट गए थे, उसके बाद भी सेम रहा, वहां भी ऐसे दुगना का कॉन्सेप्ट है, इसे दुगना तो ये जेड भी आपको लगेगी जेड की कार्डिनलिटी और दोनों इनफाइनाइट है। आपको लगेगा ये सब ये तो साफ दिख रहा है सर आंखों के सामने, कोई भी बोल सकता है कि जेड की इंफिनिटी बड़ी होगी। आंसर है नो, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है और दोनों की कार्डिनलिटी माने दोनों की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है। सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ जेड। इसका मतलब आप इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो वन वन है और वन टू है, और ये आपके लिए बेहतरीन प्रॉब्लम का काम है। मैंने आपको हिंट दे दी है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो वन वन होगा और वन टू होगा, और ये आपके लिए पहला प्रॉब्लम है यहां पर, राइट अब मैं जरा सा एक अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन बता दूं। अनकाउंटेबल सेट का एक अनकाउंटेबल सेट हमने कहा था जो काउंटेबल नहीं होते, तो मैं एक ना परफेक्ट डेफिनेशन दे दूं काउंटेबल सेट की। डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज सेट टू बी countable if it is equivalent to a subset of natural number। देखिए ध्यान से हम कहां पर आ गए, यदि सबसेट नेचुरल नंबर का सबसेट फाइनाइट है, यदि नेचुरल नंबर का सबसेट फाइनाइट है तो इस सेट को कहेंगे countably finite if subset of natural is finite then it will be called countably finite, otherwise countably infinite। सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ी अच्छी डेफिनेशन में दी है, राइट। सो क्या आ गया हमारे पास में, हमने किसकी बात कर दी आपके सामने, अब हमने बात कर दी है आपके सामने countable finite या countable infinite क्या होते हैं। countable finite का मतलब होता है नेचुरल नंबर के कोई फाइनाइट सेट दीजिए, वो सेट उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। यदि वो सेट countably infinite है तो natural number का या तो कोई infinite सेट लीजिए, चाहे वो even number का सेट हो, चाहे odd number का सेट हो, चाहे कैसा भी सेट हो, infinite हो या खुद natural number का सेट हो, दोनों equivalent हो जाएंगे, दोनों की cardinality सेम होगी। Uncountable सेट क्या होंगे? Uncountable सेट प्योर infinite सेट होते हैं। Countable सेट तो finite भी हो सकते हैं और infinite भी हो सकते हैं। Uncountable सेट तो pure
इनफाइनाइट सेट होते हैं। और आप समझ गए होंगे ये काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब ये सेट एन के साथ में और इनके बीच में आप बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा सेट है? पर इसके पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनफाइनाइट सेट की मैं एक डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा जो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। बड़े ये डेफिनेशन ना आपको इसलिए ठीक लगेगी क्योंकि ये आपके आपके इंट्यूटिव आइडिया को वैसे ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगी पर ये इंट्यूटिव आइडिया से मिलती हुई डेफिनेशन है। कैसे? कोई भी सेट यदि इनफाइनाइट होगा तो वो अपने प्रॉपर सबसेट की इक्विवेलेंट होगा, मतलब अपने से छोटे सबसेट की इक्विवेलेंट होगा। ए सेट इज, इस डेफिनेशन को मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूं, तो सोचिएगा इसके ऊपर और देखिए मैंने जितने एग्जांपल दिए हैं। ई एन से छोटा था, ई भी इनफाइनाइट था, एन भी इनफाइनाइट था, पर ई एन के इक्विवेलेंट था। मतलब ए सेट इज इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सम प्रॉपर सबसेट ऑफ a set S is infinite if it is equivalent to some proper subset of itself, जो अपने ही किसी proper subset के, मैंने कहने का मतलब ये हो गया, joke की language में कह सकते हैं father और son के बीच में relation हो गया, son is father of father, तो father son जो है, father was A was father, B was son, so A was father of B, और या तो ये हो गया इक्विवेलेंस के हिसाब से B is also father of A। कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई प्रॉपर सबसेट भी ले ले उसमें और बड़े वाले सेट में इक्विवेलेंट का रिलेशन मिल जाएगा, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन बड़ी रहस्यमय डेफिनेशन भी है। फाइनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा, बोलिए क्यों? मान लीजिए मैं एक फाइनाइट सेट लेता हूं 10 नंबर्स, उनके उसका कार्डिनलिटी 10 है, उसका प्रॉपर सबसेट लेता हूं, मतलब मैं एक बॉक्स लिया जिसमें 10 ट्रॉफीज है, अब मैं एक दूसरा बॉक्स ले रहा हूं जिसमें से एक ट्रॉफी निकाल दी। याद रखिए उस बॉक्स में तो 9 ट्रॉफी बची है, 9 ट्रॉफी कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती 10 ट्रॉफी के। ये सेट वाले सेट का प्रॉपर सबसेट है, इंफिनिटी में ये बात ही नहीं है। याद करो नेचुरल नंबर के सेट में से मैंने सारे ऑड नंबर निकाल दिए थे, क्या बचा था? इवन नंबर का सेट निकाल दिए, माने इवन नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर का, पर दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, इसीलिए इनफाइनाइट है सेट, राइट? मैं इसमें जाती मैं आपको एक जोक भी सुना रहा हूं काउंटेबल सेट के ऊपर, जोक नहीं है, पैराडॉक्स के इस पर कई पैराडॉक्स भी बने, इसमें कई मैथमेटिशियंस ने कई स्टेटमेंट इवॉल्व किए। एक हिल्बर्ट होटल, एक होटल है जिसका नाम है हिल्बर्ट होटल, एक होटल है जिसका नाम है हिल्बर्ट होटल, हिल्बर्ट होटल नाम दिया। इस होटल में इनफाइनाइट रूम है और इस होटल में काउंटेबल ही इनफाइनाइट रूम है, माने इस होटल में काउंटेबल रूम है, ये होटल पूरा भरा हुआ है। एक आदमी आता है रिसेप्शन में, बोलता मुझे एक रूम चाहिए, तो मैनेजर सोचता है थोड़ी देर के लिए, बोलता हाँ रूम खाली है। क्या करता है मैनेजर? बोलता है अपने बेल बॉय को, एक काम करो पहले रूम वाले को दूसरे में, दूसरे वाले को तीसरे में, तीसरे वाले को चौथे में, चौथे वाले को पांचवें, पांचवें वाले को छठे वाले सरका दो। बोलता हाँ सर सरका देंगे। बोले आपके लिए रूम एक खाली हो गया, चले जाइए। देखिए इनफाइनाइट है, चलते जा रहा है। फिर एक आया और फिर से उसने पूछा कि आपके पास रूम खाली है। सोचा उसने, बेलबॉय को बुलाया, भाई आप पहले वाले को दूसरे में, दूसरे वाले को तीसरे में, तीसरे वाले को चौथे में, फिर से सरका दीजिए। फिर से रूम नंबर वन खाली हो गया, क्योंकि इस होटल में इनफाइनाइट रूम्स हैं काउंटेबल, और मैं ये काउंटिंग कर रहा हूं, मैं सरका सकता हूं एक को दो में, दो को तीन में, तीन को चार में, चार को पांच में। ये इस तरह के कई पैराडॉक्सेस, इस तरह के कई स्टेटमेंट बनाए थे पहले मैथमेटिशियन ने समझने के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने के लिए। तो
तो ये हिल्बर्ट होटल एक तरीका है काउंटेबल को समझने का कि काउंटेबल में बोलते थे ना आपने क्या बोला था, सागर में एक बूंद निकाल लो या सागर से पानी की एक बूंद सागर में डाल दो, सागर जितना है उतना ही दिखता है। ठीक वही किस्सा यहां पर भी है। इनफाइनाइट अनकाउंटेबल का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल अनकाउंटेबल का जिस पर हम अपने रियल एसेस डेवलप करेंगे वो है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, तो मैं तो ये दिखा दूं कि इससे छोटा सेट मैं ये ले रहा हूं, देखिए यहां पर 01 ये इसका सबसेट है, किसका, ये रियल लाइन है। रियल नंबर्स को यदि लाइन में दिखा दें तो उसको रियल लाइन कहते हैं, इसे रियल लाइन कहते हैं। एक पॉइंट को जीरो कर दो, राइट साइड में हमेशा पॉइंट क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे हाफ, एंड लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर आएंगे माइनस हाफ। ये रियल लाइन इस ओर जाती है, आप कहते थे ना माइनस इंफिनिटी को चली गई, इस ओर जाती है इंफिनिटी को। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। हम अभी रियल एसेस में नहीं पढ़ेंगे इसको, हमारा रियल नंबर मतलब फाइनाइट रियल नंबर है। तो ये लाइन टूट एक इस साइड को जाती है, पॉजिटिव साइड को एक्सटेंड होती है तो नेगेटिव साइड को एक्सटेंड होती है। 01 आपका ये वाला इंटरवल था, इसको ओपन इंटरवल भी कहते हैं, जिसमें मैं आप डिफाइन करूंगा अभी आपको। मैं आपको जल्दी जल्दी हिंट दे दूं लास्ट में, इस ये सबसेट है आर का, इसमें ही अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो आर तो इससे भी बड़ा है तो आर में भी अनकाउंटेबल होंगे। मैं दिखा रहा हूं इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट है कैसे, देखिए आपने नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, 0 से बड़ा नंबर है 1 से छोटा है, इसका मतलब वो नंबर कैसे लिखा जा सकता। मान लीजिए इसमें काउंटेबल नंबर है, काउंटेबल नंबर है मतलब मैं काउंट कर सकता हूं, इसका मतलब मैं उनको रो में जमा सकता हूं, एक के बाद दूसरे को लिख सकता हूं। तो मैंने नंबर लिखने शुरू कर दिए, 0.x11 x12 x13 काउंटेबल मतलब मैं सबको जमा सकता हूं क्रम से, ये पहला नंबर है। फिर मैंने दूसरे नंबर को लिख लिया, डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा हूं, मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिख रहा हूं, इसमें कई क्या हो सकता है, इसमें कई डेसिमल क्या हो सकते हैं, कुछ समय के बाद में सारे नंबर जीरो भी हो सकते हैं, तो ये इसमें रैशनल्स भी आएंगे और इरैशनल्स भी आएंगे। रैशनल्स पे एक्सपेंशन क्या होता है, या तो रिपीट करता है या टर्मिनेट हो जाता है, और इरैशनल्स पर चलता रहता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो दूसरा मेरे को नंबर मिला, ऐसे करते करते मैं सारी लिस्ट कर दी, सब लिस्ट कर रहा हूं, एंड सो काउंटेबल का मतलब है लिस्टिंग कर सकता हूं मैं सबकी, पेयरिंग कर सकता हूं वन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, मैंने बोला ना मैंने मान लिया, सपोज मैंने ये माना 01 काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट में लिस्ट कर सकता हूं। और याद करो 01 का जब डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो डेसिमल के इस साइड के नंबर हमेशा जीरो होंगे, उस साइड पे क्या आएगा, जैसे 0.12 12 12 12 12 ये आया, 0.11 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 जो भी है सब लिख दिए जी मैंने। अब इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं सारे लिस्ट कर दिए, यदि ये काउंटेबल है तो मैंने इसके सारे एलिमेंट लिस्ट कर दिए। अब एक आप ही के ऑडियंस में से लड़का उठ के आता है, बोलता है सर ये नंबर कहां पर है बताइए इसमें, वो लड़का बनाना शुरू करता नंबर को, देखिए जरा ध्यान से क्या बना रहा नंबर, मैं आपको रफ समझा रहा हूं अभी इसको, इसको हम और प्रिसाइज वे में बता सकते हैं बाद में, पर मैं आपको रफली समझा रहा हूं थोड़ा सा आपके, जिससे कि आपको लगे कि हाँ चल रहा है, कैसे बोल रहा हूं सुनिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूं। यदि ये x11 2 है तो यहां 3 लिख लीजिए, अरे 2 है तो 4 लिख लीजिए, 2 है तो 5 लिख लीजिए, मैंने 3 ऐसे ही बोल दिया। और यदि ये x11 3 है तो यहां 2 लिख दीजिए, तो ये x11 2 है तो यहां 3 लिखिए, और ये x11 यदि 2 है
तो यहाँ ये एक्स वन वन यदि टू है तो यहाँ थ्री लिखिए, ये एक्स वन वन थ्री है तो यहाँ टू लिखिए। तो मान लीजिए ये एक्स वन वन टू था तो मैंने थ्री लिख लिया। अब इस पर आइए दूसरे वाले पर, एक्स टू टू यदि टू है तो थ्री लिखिए, यदि थ्री है तो टू लिख दीजिए। मान लीजिए ये थ्री है तो मैंने टू लिख दिया। ये काम डायगोनली करते चलिए करते चलिए, आपको एक नंबर मिलेगा जो थ्री टू या थ्री थ्री टू जो भी होगा, इस पे थ्री टू होगा। ये नंबर जो आपने नया बनाया है, ये नंबर जो नया बनाया है ये इसी लिस्ट में होगा, पहली बात इसमें होगा, पर वो इस लिस्ट में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है बोलिए? ये वाला नंबर पहला वाला नंबर नहीं है। क्यों? पहले वाले नंबर का पहला डेसिमल कहां स्टार्ट हुआ था? टू से। और ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है डेसिमल? थ्री से। तो ये तो ये वाला नंबर है ही नहीं। ये नंबर दूसरा वाला भी नहीं है। दूसरे का सेकेंड वाला डेसिमल कहां से स्टार्ट हुआ था? यस, थ्री से। पर ये तो दूसरे प्लेस पर टू है। तीसरे पे आइए, तीसरे पर यदि तीन था तो यहां दो होगा, और तीसरे पर यदि दो था तो वहां तीन होगा। तो ये तो तीसरे के बराबर भी नहीं है, ये चौथे के बराबर भी नहीं है, ये पांचवे के बराबर भी नहीं है, ये आपकी लिस्ट के किसी भी नंबर के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपने इस सेट का एक नया नंबर मुझे दिखाया जो इस लिस्ट में तो था ही नहीं, पर आपने तो लिस्ट को काउंटेबल कहा था। आपने तो ये कहा था कि मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं सर, तो फिर ये कहां से आ गया नया एक? इसका मतलब आपका कुछ मानना गलत है। आप क्या मान के चले थे? आपका सेट क्या मान के चले थे? आप काउंटेबल, और ये आपका मानना गलत है। तो आपको क्या मिल गया? आपको एक नया एलिमेंट मिल गया जो इस लिस्ट में नहीं है, जो इस लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब आपका मानना गलत था, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने कुछ गलत माना है। क्या माना था आपने? लिखे सपोज 01 इज काउंटेबल, इसका मतलब 01 क्या हो गया? अनकाउंटेबल। इसको डायगोनल मेथड कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है मैथमेटिक्स की। ये टू थ्री पे मत जाइए। आप टू को, आप यहां पर टू है तो वहां मैंने फोर ले लिया, यदि फोर है तो थ्री ले लिया। आप जो चीज आप कुछ बनाइए, मैं बस ये कर रहा हूं कि आपकी लिस्ट में आए हुए हर एलिमेंट से मैंने एक नया एलिमेंट बनाया जो आपकी इस लिस्ट में है ही नहीं। और आपने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरी लिस्ट सब कंप्लीट है क्योंकि मेरा सेट क्या है? काउंटेबल है। तो इसीलिए आपका ये सेट क्या है? अनकाउंटेबल है। यदि छोटा वाला सेट अनकाउंटेबल हो गया तो जिसमें वो समाया है वो सेट तो अनकाउंटेबल हो गई, इसलिए आर भी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। आर अनकाउंटेबल है, इसका मतलब साफ साफ हो गया ये किसी भी काउंटेबल सेट की इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ आर नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट, नॉट इक्वल टू काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या थी? एलएफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ आर को आपको बुक में लिखा मिलेगा, इसको कहते हैं स्मॉल सी। स्मॉल सी वर्ड का नाम आया कंटिन्यूम से। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अलग स्टोरी है, बहुत बड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सियल स्टोरी है। कंटिन्यूम से आया है सी नाम। और इसके बाद में फिर एक्सियम ऑफ हाइपो, एक्सियम ऑफ चॉइस और कई चीजें हैं, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी हमें मौका मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा याद रखिए? हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में सीखा, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के बारे में सीखा। प्लीज अपने को कंफ्यूज मत करिएगा, इसको निर्धारित कर लीजिए कि हम किस में बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर में जब भी मैं किसी सेट की बात करूंगा या तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो काउंटेबली फाइनाइट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, या वो अनकाउंटेबल होगा। और देखिए ये इस तरह की साइज से हम एनालिसिस को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में कुछ और बातों के साथ मिलेंगे।